और कोई कोई है? उखाड़दर है फिरोज, ये उखाड़दर है? नहीं, प्लानिंग में कोई कोई है? मैं नारू, राकेश देवा। उखाड़दर है? नारू बंजारा, नारू बंजारा और राकेश देवा, राकेश प्रजापत। बच्ची मदर चौथ जिन के तू गोली मारने आते उनके बच्चे नहीं है क्या? तुम्हारी ये बच्ची है फिर? देवा नाम बोलते जा। हरियाणा, हरियाणा पुलिस पड़ गई, क्यों 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 झापट मारी तूने? तो उनके बच्चे नहीं है क्या? अरे उनके बच्चे नहीं है क्या? बच्चे तुम्हारे है क्या? चलता रहे, चालू रख। तू नारू, राकेश और देवा, और कोई हो? मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि भाई 8 तारीख को गुजर समाज का एक नौजवान है सुरेश गुजर, हो सकता है उसने कोई लड़ाई झगड़ा किया हो, क्राइम किया हो। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना और गुनाहगारों को सजा देना, और मैं कोई गुनाहगार के पक्ष में भी नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको पुलिस अपने मानवीय मूल्यों को भूल जावे, इतने अत्याचार करे, अन्याय करे, कानून और संविधान के दायरे में रह के उसे मुजरिम से पूछताछ करो, मारपीट करो, जो भी करो, लेकिन कानून के ऊपर जाकर ना पुलिस है, ना प्रशासन है, ना नेता है, ना जनता है। उस व्यक्ति के साथ उनकी दाढ़ी के बाल पाड़ दिए, उनके बाल पाड़ दिए, खूब जो मारपीट की, वो सब आप लोगों को ही पता, सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो इस विषय को लेकर मैंने कलेक्टर साहब और SP साहब से मुलाकात की कि भाई जो प्रतापनगर पुलिस थाने वाले हैं और इसको गुलाबपुरा से उठाया गया, लेकिन जो वीडियो आप सब लोगों के पास में है उसमें आप थोड़ा गौर करके देखिए, एक व्हाइट गाड़ी है वो क्या थाने की है क्या? जो लोकेशन है वो कौन से थाने की? कोई थाने की नहीं। इसके साथ रास्ते में ही मारपीट की गई और जो जाति विशेष के आपस में झगड़े हैं, राजनीतिक व्यवस्था जो भी जैसी है उसको लेकर के एक समाज विशेष दो दो समाज के लोगों को आपस में टकराव करना वो गलत है। सारी इनके कोई रिक्को के ऊपर कोई मजदूरों को आपस में लड़ो के लड़ाई झगड़ा हुआ, पर मेरी जानकारी में आया कि शायद ये सुरेश गुजर उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं था, फिर भी इसको उठाया, मारपीट की और इसके साथ इतना अत्याचार किया, अन्याय किया।